नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। किसी भी लोकतंत्र को जर्जर बनाने में अपराध और भ्रष्टाचार का बड़ा हाथ होता है। विराम। हमारे यहाँ अपराध और भ्रष्टाचार का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विराम। इसकी बड़ी वजह गिरती राजनीतिक संस्कृति है। विराम। गांधी जी ने कहा था कि राजनीति में राजनीतिक नैतिकता और सिद्धांत बहुत जरूरी होते हैं। विराम। अगर राजनीति सिद्धांतों पर चलती तो ठीक था, पर आज की राजनीतिक संस्कृति ऐसी हो गई है कि स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के चलते लोग लोकतांत्रिक ढांचे को जर्जर बनाते जा रहे हैं। विराम। पैरा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार भारत भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों की सूची में 80वें पायदान पर है। विराम। भ्रष्टाचार न केवल धन संपत्तियों में है, बल्कि सरकारी नीतियों के साथ आपराधिक कृत्यों को भी बढ़ावा देता है। विराम। देखा जाए तो इस वक्त देश का ऐसा कोई महकमा नहीं बचा होगा जहां रिश्वत का चलन न हो। विराम। आज देश में जितनी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हुई है, ठीक उसी के समानांतर भ्रष्टाचार और अपराध ने भी अपनी जड़ें मजबूत की है। विराम। दरअसल भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ें राजनीति में ही है, क्योंकि आज राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है, जिसके चलते अपराधी अधिकारी नेता और व्यापारी अपनी सांठगांठ से लोकतंत्र के ढांचे को खोखला करते जा रहे हैं। विराम। जहां अधिकारी अपराधी को संरक्षण देता है, वहीं नेता अधिकारी और अपराधी दोनों की रक्षा करते हैं, जिससे चुनाव में इनसे फायदा लिया जा सके। विराम। यही वजह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उतरे 70% से अधिक उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। विराम। 15वीं लोकसभा में लगभग 30% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज थे और 16वीं लोकसभा के सदस्यों का सबसे अधिक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का खुलासा हुआ है। विराम। पैरा। अनुमान लगाया जा सकता है कि जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का प्रवेश लोकतंत्र में होगा तो देश में सुशासन कैसे आएगा। वैसे नियम तो यह है कि राष्ट्रद्रोह, जंग छेड़ने के षड्यंत्र, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण आदि में लिप्त व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित रखा जाएगा। विराम। मगर आज तक किसी को वंचित होते नहीं देखा गया, बल्कि आपराधिक प्रकृति के लोगों का राजनीति में प्रवेश तेजी से हो रहा है। विराम। इससे कानून की व्यवस्था जाहिर होती है। विराम। इसलिए जब तक राजनीति स्वच्छ नहीं होगी, तब तक अपराध और भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी तो रहेगी, लेकिन यह पूर्णतया को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगी। विराम। पैरा। छिपी बात नहीं है कि सदा से अपराधियों को राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण मिलता रहा है। विराम। नेताओं और नौकरशाहों की सांठगांठ के चलते देश आज अपराध के ऐसे दलदल में जा फंसा है जहां से निकल पाना आसान नहीं है। विराम। यही वजह है कि आज अपराध तंत्र मजबूत
और न्यायतंत्र कमजोर होता जा रहा है विराम। अब समय आ गया है कि हम अपनी न्याय प्रणाली पर नए सिरे से दृष्टि डालें विराम। सच्चाई यह है कि दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती विराम पैरा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2018 में कुल 414,112 व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के तहत विभिन्न अपराधों में पकड़े गए विराम। इनमें केवल 144,274 व्यक्तियों को सजा मिल सकी विराम यानी केवल 34% को विराम। वर्तमान में भारत की निचली अदालतों में लगभग 2,91,63,220 मामले लंबित हैं विराम। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 98,700 तथा उच्च न्यायालयों में करीब 44,00,000 मुकदमे लंबित हैं विराम। इन कुल लंबित मामलों में से 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं विराम। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम तथा रिक्त होना है विराम। यही वजह है कि अपराधी धीमी न्याय व्यवस्था के चलते अपनी जड़ें समाज में जमाए हुए है विराम पैरा। अब शीघ्र अखिल भारतीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए और सभी अदालतों में खाली पड़े पदों पर त्वरित भर्तियां होनी चाहिए। साथ ही वर्चुअल अदालतों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, तभी त्वरित न्याय की अवधारणा भी सामने आएगी विराम। साथ ही अपराधियों, माफिया नेताओं और पुलिस तथा प्रशासन की सांठगांठ को बेनकाब करने वाली NN बोहरा समिति में 27 साल पहले की गई सिफारिशों पर सख्ती से अमल किया जाए विराम पैरा। वोहरा समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी नोडल एजेंसी गठित करने की सिफारिश की थी, जिसे मौजूदा सभी गुप्तचर और प्रवर्तन एजेंसियां देश में संगठित अपराध के बारे में मिलने वाली सारी जानकारियां तत्परता से उपलब्ध कराएंगी विराम। रिपोर्ट क्राइम सिंडिकेट और माफिया की राजनेताओं से सांठगांठ का पुख्ता सबूतों के साथ खुलासा भी था, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का साहस नहीं जुटा पाई विराम। रिपोर्ट सौंपने के 2 साल बाद तक इसे संसद में नहीं रखा गया विराम। रिपोर्ट में गोपनीयता का पूरी तरह ध्यान रखने पर भी जोर दिया गया विराम। सरकार ने निश्चित ही इस ओर कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद संगठित अपराधियों की नेताओं, राजनीतिक दलों और पुलिस तथा नौकरशाहों के साथ सांठगांठ पूरी तरह खत्म नहीं हुई है विराम पैरा। आज समाज में अपराध और अपराधियों को लेकर जैसी स्वीकृति बढ़ रही है, वह निश्चित ही चिंतनीय है विराम। समाज जातिगत भावनाओं पर अपराधियों को आगे बढ़ाता है तो न्याय व्यवस्था राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध निष्प्रभावी रहती है विराम। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तभी कामयाब हो सकती है जब समाज के लोग अपने प्रतिनिधि का चयन बुद्धिमता से करेंगे विराम। अनेक घटनाएं गवाह हैं कि राजनीति ही अपराध को बढ़ावा देती है विराम। अगर हम अपराधी को चुनकर लाएंगे तो समाज में अपराध को ही बढ़ावा मिलेगा विराम पैरा। अक्सर देखा गया है कि सरकारें भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई दलीय आधार पर करती हैं, लेकिन सरकार के
अंदर शामिल भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती, विराम। आज राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि आपराधिक प्रवृत्ति के नेता लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं, विराम। सरकार अगर वास्तव में अपराधियों की संजाल को पूरी तरह खत्म करना चाहती है तो उसे एनएन वोहरा समिति की रिपोर्ट में जांच एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर ठोस पहल करनी चाहिए, विराम। अब धूल खा रही वोहरा रिपोर्ट पर कार्रवाई का अच्छा मौका है, विराम। पैरा, यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राजनीतिक दल जब भी किसी दागी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारे तो 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक रूप से यह बताए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। भारतीय राजनीति को अपराध मुक्त बनाना, खासकर अपराधियों को संसद और विधानसभाओं में पहुंचने से रोकना पिछले कुछ दशकों से देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, विराम। ऐसे में राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ सर्वोच्च अदालत की यह पहल सराहनीय और उत्साहवर्धक है, जिसका कठोरता से पालन होना चाहिए, विराम। अब समय आ गया है कि लोकतंत्र के दीमकों को समाज बाहर का रास्ता दिखाए और एक स्वच्छ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का पुनर्गठन करे जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार न हो, जो राजनीतिक लाभ से ऊपर उठकर नागरिक विकास पर केंद्रित हो, विराम। इसके लिए सरकार और समाज को समन्वित प्रयास करने की जरूरत है, विराम। धन्यवाद साथियों।